बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए काले चने की रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही दो प्याज़ ऐड कर दिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। थोड़े से प्याज भुन जाए तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन। यहाँ मैंने साबुत अदरक लहसुन लिया है, इसमें पेस्ट में ऐड नहीं कर रही हूँ। अब अदरक लहसुन को हम भून लेंगे और साथ ही हम इसमें तीन टमाटर ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ के और चार पांच हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इस तमाम मिक्सचर को हमने भूनना है। इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस मिक्सचर को हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा हमारा। जो ऑयल कढ़ाई में रह गया था उसमें ही हमने साबुत ज़ीरा भूनना है और उसके अंदर ही हमने सारा पेस्ट शामिल कर देना है जो हमने ग्राइंड किया था। और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले में हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर शामिल हैं। अच्छी सी भुनाई करनी है हमने अब इस मसाले की। जो हमने मसाला तैयार किया है इसमें हमने काले चने उबले हुए ऐड कर देने हैं और इनको अच्छी तरह से भूनना है मसाले के साथ। चने हमारे भुन चुके हैं जी, और हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये वही पानी है जिसमें हमने चनों को उबाला था। ये लीजिए जी, हमारे चने तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।